उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को बीती 1 जुलाई से 3% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। एक ही जगह पर सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार झंडारोहण और राष्ट्रगान करने का आगरा में विश्व रिकॉर्ड बना। 26 जनवरी 2018 से लगातार बिना एक भी दिन रुके हर रोज राष्ट्रगान और झंडारोहण होता है। इस पूरे काम को बुधवार को 1418 दिन पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर शून्य राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित 3 दिवसीय भारत की लोक कलाओं का अमृत महोत्सव देशज का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन करने वाली संस्था सुंचिरया द्वारा किया गया है। अयोध्या थाना गोसाईगंज इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा और उनकी टीम ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध असलहे, लूट की मोटरसाइकिल और गांजा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र में कहा, कुछ लोग स्वागत नहीं कर सकते अच्छे काम का, इनके लिए माफिया ही सब कुछ है। स्वागत नहीं कर सकते अच्छे कार्य का, ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने स्वर्ग की होड़ियां मिल गई इनको सब। इनके लिए माफिया ही वही है, सब कुछ वही है। आचार्य गजनी से बहुत अच्छे आदमी, चर्चित दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद जो नया समाजवाद है, उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है, और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही रैली लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर जनवरी से शुरू हो सकती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका प्रमुख कारण बन सकता है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गई है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण दुनिया भर में चर्चित मिस वर्ल्ड 2021 प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया है। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली प्रतिभाशाली महिलाएं समेत कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यूरोप में बच्चों का टीकाकरण शुरू, 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आवेदकों को आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बाराबंकी का ट्रायल रन पूरा होने के बाद अब लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य संभागों में भी घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह को अपना व अपने आश्रित पारिवारिक सदस्यों की 5 वर्ष की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मई आयकर रिटर्न के साथ 27 दिसंबर 2021 तक लोकायुक्त को दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक दुखद कहानी है जो पिछले 75 वर्षों से जारी है। प्रमुख शहर झुग्गी बस्तियों में बदल गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 4 से 5 दिन के भीतर देश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने संकेत दिए कि चीन कुछ बहुत बड़े खुराफात को अंजाम देने में लगा हुआ है। ऐसे समय में जब पिछले करीब 1.5 साल से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC के कई बिंदुओं पर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।